इसमें हमारे लिए मिले थे 107 रुपए। ये था भाई कैश का ऑर्डर। जो दारू पीते हैं भाई वो केवल अपनी भक्ति हैं और किसी की सुनते तो है ही नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग फिलहाल मस्त हो गए, आपका भाई सुमित भी मस्त है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, आज है भाई 16 तारीख। तो 16 तारीख आज भाई जोमेटो में हमने 8 गिग बुक की है 13 घंटे की। तो भाई आज हम 13 घंटे काम करने वाले हैं जोमेटो में। 13 घंटे में आज के हम आपके लिए भाई टोटल अर्निंग दिखाएंगे कि भाई 13 घंटे में हम कितने का काम होगा। तो भाई हम 11 बजे अपनी आईडी ऑन करेंगे और रात के 12 बजे तक कंटिन्यू है, क्योंकि ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे हम। फिलहाल भाई आईडी तो ऑन कर दी है, अब चलते हैं भाई हाई लोकेशन पर बैठेंगे जिससे बहुत ही जल्दी ऑर्डर हमारे पास में आ जाए। तो पहला ऑर्डर भाई आ चुका है 48 रुपए का, और ये हमारे पीछे भाई रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट से मुझे भाई लेना है। फिलहाल भाई 10 मिनट हो गए, अभी तक भाई ऑर्डर रेडी नहीं किया है। भाई ऑर्डर तो पिकअप कर लिया है, यह देना है मुझे सेक्टर 40 में। भाई चलते हैं इसको लेकर। आ चुके हैं भाई लोकेशन पे, यहीं पर ही भाई मुझे ऑर्डर देना है F7 में। तो भाई ऑर्डर तो मैंने ले लिया है, ये देख सकते हो भाई। अब कस्टमर के लिए भाई हम कॉल करते हैं। ये था भाई कैश का ऑर्डर 509 रुपए। तो भाई ले लिए हैं, आध घंटे बाद 23 रुपए का भाई ऑर्डर आया है और मुझे भाई ऑर्डर लेना है। आपके लिए मैं दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई ब्लैक का आपको छोटा सा एक गेट दिख रहा है, इसी गेट में से मुझे लेना है ये छोटा सा ब्लैक। देखो सब लंग से बंद है, पर इसी में से आवाज़ माननी पड़ेगी, फिर ऑर्डर लेना पड़ेगा। चल भाई 15 मिनट हो गए वेट करते हुए और भाई अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। तो मैंने ले लिया है, पिकअप कर लिया है इसको। भाई 20 मिनट लेट हो गया भाई, 20 मिनट बाद दिया है ऑर्डर। फिलहाल भाई साहब देख सकते हो भाई दूसरा ऑर्डर भी मेरा कैश का आया है, 445 रुपए दूसरा बजाय, अभी तीसरा भी हो सकता है कैश का ही वजह। इसमें भाई यार भुगतान कहाँ से करेंगे, कस्टमर मना कर देते हैं भाई मेरे में। कस्टमर से मैं भाई कहता हूँ सर फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, वो कह देते हैं अगर फोन पे और पेटीएम में करूँगा तो उसी पे कर दूंगा, मैं कैश का ऑर्डर ही क्यों करूँगा भाई, ये कह देते हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है सर। सर 50 में हम बैठे हुए थे और सेक्टर भाई 3200 ऑर्डर बजा है लॉजिक सिटी सेंटर से, स्टूडेंट का नाम है हल्दीराम। तो भाई चलते हैं, इसके पीछे है हल्दीराम। भाई ऑर्डर तो पिकअप कर लिया है, 15 मिनट बाद दिया है, चलते हैं भाई इसको लेकर सेक्टर 74 में। कैप टाउन का ऑर्डर है भाई। ऑर्डर लेके भाई आ चुके हैं सोसाइटी में, बटन लिफ्ट में आ चुके हैं अंदर और 9वें फ्लोर पे भाई मुझे जाना है। इस ऑर्डर को भाई डिलीवर करने के बाद में हमारे लिए मिले थे इसमें भाई 59 रुपए और ऑर्डर था 7.5 किलोमीटर का। भाई चौथा ऑर्डर आ चुका है 64 रुपए का, 8 किलोमीटर का। चलते हैं भाई पिकअप करते हैं इसको भी। भाई ऑर्डर तो पिकअप कर लिया है, यह है मुझे देना है सेक्टर 45 में। मुझे जाना है भाई 3rd फ्लोर पे। ऑर्डर तो भाई दे दिया है, इस ऑर्डर मिले थे हमारे लिए 75 रुपए। तो भाई देख सकते हो छोटी छोटी बूंदों से भाई बारिश आ गई, ये देख। फिलहाल भाई ऑर्डर भी पिकअप कर लिया है और बारिश भी आ गई है, अब चलते हैं भाई बारिश में ही लेके। देखो भाई कितना बारिश हो रहा है। जो अभी मैं 24 रुपए का भाई ऑर्डर लेके आया था बारिश में, उसमें भी हमारे लिए भाई एक्स्ट्रा नहीं मिला था और सर्च लगा था भाई सेक्टर 76 में, 50 में, 120 में भाई लगा था और 74 का ऑर्डर था मेरा कैप टाउन का। और इससे पहले जो सबसे पहला ऑर्डर आया था उसमें मैंने बताया था आपके लिए कि मैं बारिश में भाई जा रहा हूँ, ये देख सकते हो भाई बारिश आ गई है काफी तेज, तो उसमें मैं गया था, उसमें भी हमारे लिए भाई सर्च नहीं मिला था। तो भाई ये सबसे ज्यादा दिक्कत जोमेटो में है कि बारिश होती है तब भी भाई एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। फिलहाल भाई आप देख सकते हो भाई मौसम साफ हो गया है, कुछ छोटी छोटी बूंदों से अब भी बारिश हो रही है। और बादामी रेस्टोरेंट से भाई मुझे ऑर्डर उठाना है और देख सकते हो मौसम तो फिलहाल सफा हो चुका है, बिल्कुल साफ मौसम है भाई, थोड़ा बहुत बादल है और यहाँ से मुझे सामने से भाई ऑर्डर लेना है। सभी बच चुके हैं 9, हम आपके लिए भाई काम दिखा देते हैं अब तक भाई कितने रुपए का हुआ है। तो जो 5 गिग का मेरा एक जो इंसेंटिव है वो तो भाई कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में देख सकते हो 648 रुपए का भाई काम हुआ है हमारा और 13 ऑर्डर भाई हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 10 घंटे 18 मिनट हो गए हमें आईडी ऑन करे हुए, भाई देख सकते हो सिल्वर पार्टनर हैं। ऑर्डर तो काफ़ी आए थे हमारे पास हम, पर बहुत ही छोटे छोटे ऑर्डर आए थे। 3 घंटा काम और करना है, 648 का हुआ है, 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा मान लो भाई 200 रुपये का। अभी हैं भाई सेक्टर 121 में, हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं भाई, देखते हैं कितने टाइम में आता है। एक साथ में भाई 2 ऑर्डर आए हैं, मल्टी ऑर्डर आया है, तो भाई एक तो मैंने पिकअप कर लिया है, दूसरा भाई पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। दोनों ऑर्डर भाई पिकअप तो कर लिए हैं, मैंने भाई दोनों ऑर्डर भाई डिलीवर तो कर दिए हैं। दूसरा ऑर्डर भाई इस सोसाइटी में दिया है मैंने, ये देख सकते हो भाई सामने,
अब चलते हैं भाई अपनी लोकेशन पे। यहाँ से हमारी लोकेशन लगभग 10 किलोमीटर दूर है और ये ऑर्डर भाई लास्ट ऑर्डर दिया था। इसको डिलीवर करने के बाद में इसमें हमारे लिए मिले थे 107 रुपये, तो भाई रिटर्न वापस मिले थे 9 रुपये। तो ये सर्विस रोड है ना, देखो कितनी दिक्कत होती सर्विस पे यार, दोनों तरफ से सवारी है। लास्ट ऑर्डर भाई मैं देने के लिए गया था तो भाई कस्टमर कह रहे थे इतना लेट कैसे हो गए भैया, कहाँ से ऑर्डर लेके आए हो, हरियाणा से लेके आए हो या दिल्ली से लेके आए हो, मतलब वो ऐसे ही बोल रहे थे। क्योंकि तो ऐसे भाई आप जानते हो कोई दारू पिया हुआ हो तो ऐसे ही मतलब वो बोलता रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो कह रहे थे आप कहाँ से लेके आए हो और ये रेस्टोरेंट दिल्ली में ही है, नोएडा में ही है, ग्रेटर नोएडा में क्यों नहीं है। तो मैंने सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह रेस्टोरेंट होते हैं। तो बोले नहीं ये तो दिल्ली में ही है केवल, ये तो नोएडा में ही है, यहाँ होता तो आप लेके नहीं आते। मैंने सर्च भी कर लिया, मैंने सर ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ये रेस्टोरेंट हर जगह होते हैं, ऐसा कुछ भी ना है। काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने कि सर मेरे पास में 2 ऑर्डर थे, दोनों ग्रेटर नोएडा के थे, पर एक हमारा अजनारा का था जो जहाँ भाई मैंने पहला ऑर्डर दिया था उसके बाद में 3 किलोमीटर दूर मुझे भाई दूसरा ऑर्डर डिलीवर करना था। तो मैंने वो किया, उसमें भाई ये कस्टमर थे हमारी थोड़ी हज्जत हो गई थी, तो मैंने सोचा यार ऐसी हज्जत तो होती रहती है। आप समझ सकते हो भाई जो लोग दारू पिए होते हैं तो उनसे क्या मुंह लागना, जो दारू पीते हैं भाई वो केवल अपनी भक्त हैं और किसी की सुनते तो हैं ही नहीं। तो भाई अभी हैं हम गौर सिटी पे आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप, तो सामने कितना मस्त नज़ारा है, ये देख सकते हो भाई यहाँ पर कितनी मस्त लाइटें लगी हुई हैं ना, ये साइड से किनारी जो बनी हुई है, देखो भाई ये रॉन्ग साइड आ रही है गाड़ी देखो। तो ये ग्रेटर नोएडा का ऑर्डर इस वजह से मुझे हारता है क्योंकि आप बताओ भाई 10 किलोमीटर हमारे लिए ऑर्डर दिया था, 10 किलोमीटर के बाद में मुझे 10 किलोमीटर जाना है वापस अपनी लोकेशन पे, उसके बाद में ऑर्डर आएगा क्योंकि ग्रेटर नोएडा से ऑर्डर तो आएगा नहीं। तो ये आप बता सकते हो भाई 107 रुपये का ऑर्डर था, उसके बाद में हमें 10 किलोमीटर वापसी जाना है, 10 किलोमीटर में आया था, 10 किलोमीटर जाना है क्योंकि जहाँ ग्रेटर नोएडा से आज तक भाई ऑर्डर नहीं भेजा है, 1.5-2 साल तो हमें हो गई भाई काम करते हुए, अभी तक भाई एक भी ऑर्डर नहीं भेजा है मेरा। और भी बंदे कहते हैं भाई ग्रेटर नोएडा से कभी नहीं भेजता है ऑर्डर, इसलिए कोई भी बंदा यहाँ ग्रेटर नोएडा में रुकता ही नहीं है, सीधे भाई अपनी लोकेशन पे जाके रुकता है सेक्टर 50 में 73 पे सुंदर फार्म हाउस पर, यहाँ पे जाके बैठ जाता है क्योंकि यहाँ से कभी ऑर्डर नहीं भेजा है। आज भाई एक भी ऑर्डर 100 रुपये का नहीं आया है, ये ऑर्डर आया है केवल 107 रुपये का, सो वो भी भाई मल्टी ऑर्डर था इसलिए 100 रुपये का आ गया, सिंगल ऑर्डर आज एक भी 100 रुपये का नहीं आया है। वैसे इस वजह से काम कम हुआ है क्योंकि ऑर्डर तो काफ़ी हो गए थे भाई, 13 ऑर्डर कम नहीं होते हैं, 13 ऑर्डर 14वां ऑर्डर था ये, 13 ऑर्डर बहुत हो गए भाई और ये 14वां ऑर्डर था। तो भाई 14 ऑर्डर पर देख सकते हो एक भी 100 रुपये का ऑर्डर नहीं आया था क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे थे हमारे पास में, और ये आया तो भाई 107 रुपये का, वो भी भाई मल्टी ऑर्डर आया, तो इसने काफ़ी टाइम में यार बर्बाद कर दिया मेरा। आप लेके जाओगे तो एक कस्टमर का लेट होगा, जिसका भाई बाद में जाएगा उसका भाई लेट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं भाई दोनों एक साथ दे दूं। हाँ सेम कस्टमर अगर लिखा है तो दोनों एक साथ दे सकते हैं, पर भाई अगर दोनों कस्टमर अलग अलग हैं, लोकेशन 2-3 किलोमीटर का अगर फैसला है फिर तो भाई दिक्कत होगी, जो कस्टमर का भाई लास्ट में ऑर्डर जाएगा उसका लेट होगा, और लेट होगा फिर वो कस्टमर यार कुछ ना कुछ तो कहेगा कि आप इतनी लेट क्यों आए। कस्टमर को भाई ये बात समझना चाहिए कि अगर मल्टी ऑर्डर है तो भाई मल्टी ऑर्डर में टाइम तो लगेगा क्योंकि भाई एक साथ में दोनों ऑर्डर तो देने दूंगा, पर पहला ऑर्डर जिसकी पहले लोकेशन आ जाती है भाई उसी का ऑर्डर मुझे देना पड़ता है, तो भाई जिनकी पहले लोकेशन आ जाती है मुझे उन्हीं का भाई पहले ऑर्डर देना पड़ता है। अगर आपकी आ रही है तो आपका दे दूंगा, अगर दूसरे की आ रही है तो भाई एक ऑर्डर तो लेट होगा, जो भाई लास्ट में लोकेशन आएगी वो ऑर्डर लेट हो जाता है। फिलहाल भाई 12 बज चुके हैं और ये भाई लास्ट ऑर्डर है, ये देना है मुझे भाई सेक्टर 78 में अपनी लोकेशन का ऑर्डर है भाई, चलते हैं। देखो सभी भाई मार्केट बंद हो चुकी है, ये देख सकते हो भाई यहाँ पे यार बड़ी कींच है, देखो ये है ऑर्डर भाई। देने के बाद में हमारी आईडी भाई ऑफ हो जाएगी और हमारी जितनी भाई हमारी जो गिग थी वो सभी कंप्लीट हो जाएंगी। ये बताया था कि मैं भाई 13 घंटे काम करने वाला हूँ जोमेटो में, तो भाई आज मैंने भाई 13 घंटे काम किया है, 13 घंटे में आपको मैं ये भी दिखाऊंगा भाई कितने रुपये का भाई काम हुआ है, और 15 मिनट का ब्रेक होता है वो भी नहीं किया है मैंने, और ये मैं जहाँ पे भाई जा रहा हूँ ये आपको सुनसान मिलेगा, यहाँ पे बहुत ही कम
गाड़ी निकलती हैं और बाइक निकलती हैं, देख सकते हो आप। और आगे जाओगे आपको लाइट भी नहीं मिलेगी, बड़ा सुनसान सा रहता है यहाँ पे। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से शुरुआत होती है सुनसान की, देखो। और आगे जाओगे आप, देखो छिहत्तर की मेट्रो। भाई ऑर्डर तो दे दिया है, चुका है 12:21। और भाई हमने अपनी आईडी ऑफ कर दी है, देख सकते हो भाई। और इंसेंटिव पे जो 6 GB पे हमें 180 रुपये भाई मिलेंगी, वो देख सकते हो आप भाई। हमारा कंप्लीट हो चुका है, सही का निशान लग चुका है। तो हम आपके लिए भाई अर्निंग दिखा देते हैं। तो पे आउट पर जाते हैं, इसके बाद में भाई 16 तारीख सेलेक्ट करते हैं यहाँ से हम। तो 16 तारीख भाई हमने सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद में भाई देख सकते हो 890 रुपये का भाई काम हुआ है। 18 ऑर्डर भाई हमने कंप्लीट कर दिए थे और 180 रुपये भाई इसमें इंसेंटिव जोड़ देते हैं। 890 रुपये का भाई काम हुआ था, प्लस 180 रुपये भाई इसमें इंसेंटिव हमने जोड़ दिया, 1070 रुपये का भाई काम हो गया। और इसमें भाई हम माइनस कर देते हैं 250 रुपये भाई पेट्रोल, तो इसमें भाई 250 रुपये हमने पेट्रोल माइनस कर दिया, तो 820 रुपये हमारे लिए इसमें बचे थे। और 70 का काम हुआ था, 250 रुपये भाई पेट्रोल हमारा लग गया था, और 820 रुपये हमारे लिए भाई जो हमारी बचत हुई है वो 820 रुपये हुई है। तो गाइस के यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे भाई आप जाइए, इंस्टाग्राम पे जाने के बाद में सुमित ब्लॉग बना नाम से भाई आईडी है, उसको जाके भाई सर्च कीजिए और जाके फॉलो कीजिए। आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, ये देखो सुमित ब्लॉग बना इस नाम से आप सर्च करोगे, उसके बाद में भाई हमारा जो पेज है वो आ जाएगा।